निकाय चुनाव मतदान में सभी वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस क्रम में कई ऐसे लोग भी थे जो पहली बार मतदान करने आए थे। उनके तन मन में खासा उत्साह देखने को मिल रहा था। उनका कहना था कि मताधिकार का प्रयोग करना नगर विकास के लिए बहुत जरूरी है। पहली बार आपने वोट डाला है? जी। आज आपको वोट डालकर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। जी आपने आज किस उद्देश्य से आज आपने वोट डाला है? मैंने कि मतलब कि एक अच्छा बहुत अच्छी फीलिंग सी आई वोट डालकर मेरे को। जी जी आज आपने किस मुद्दों को लेकर आज आपने चुनाव मतलब वोटिंग की है? मतलब कि आगे हमारा जो भी कोई पार्षद का नेता होगा वो अच्छा बने। आपने पहली बार मत का अपने इस्तेमाल करा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीतल सक्सेना। शीतल जी कैसा महसूस आपको हो रहा है? एक उत्साहित सा महसूस कर रही हूँ क्योंकि पहली बार हम एक अपने कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपनी सोसाइटी को कि हाँ अपने वोट से हम किसी को आगे खड़ा कर रहे हैं अपने एज अ रिप्रेजेंटेटिव जो हमारी समस्याओं को समझे और उनका संविधान करे। किन मुद्दों को आपने ध्यान में रखा था? अब जैसा कि ये हमारे महापौर और पार्षद के उससे है तो वार्ड और सिटी से रिलेटेड होगा, तो हम चाहते हैं कि हमारी शहर स्मार्ट बने, साफ सफाई मतलब जैसे भी होता है कि हाँ गंदगी हो रही है वो हमारी चुस्त हो अच्छे से हो और सड़क का चौड़ीकरण हो और मतलब मैं चाहती हूँ कि हमारा शहर सबसे ऊपर हो। पहले विकास का मुद्दा मायने रखता है ये पार्टी का? विकास का मुद्दा तो हमारी पार्टी का मुद्दा होना ही चाहिए जो इसको हम वोट कर रहे हैं। आज वोट डाला है? हाँ जी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या महसूस करती हो? अच्छा महसूस करती हूँ। किस लिए वोट डाला है? विकास के लिए, विकास के लिए डाला है हमारे मतलब सुरक्षा के लिए भी और मतलब जो फैसिलिटीज है उनके लिए भी। क्या लगता है मुरादाबाद को अभी विकास की कितनी जरूरत है? बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा। कुछ काम ही नहीं हो रहा है सर, काम ही नहीं होता है, काम ही नहीं है।